हे फूडी, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं शारमीन आज आपके लिए लेके आई हूँ सूजी के हलवे की रेसिपी। एकदम परफेक्ट तरीका, परफेक्ट माप के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें ना किसी तरह के कोई चाशनी बनाने की झंझट है, ना किसी तरह का कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मैंने डाला है। सिर्फ परफेक्ट तरीका बताऊँगी और आपका एकदम परफेक्ट माप के साथ सूजी का हलवा बन के रेडी हो जाएगा। मतलब कैसे, एक तरह से कह सकते हैं ये नो फेल रेसिपी। एकदम परफेक्ट तरीके से घी भी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। एक पैन में मैंने यहाँ सिर्फ 2 छोटी चम्मच घी लिया है। इसे गरम करेंगे और मैंने 2 बड़े चम्मच जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, इसे मैं रोस्ट करूँगी घी में अच्छे से। जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे रोस्ट करेंगे। अब गैस बंद कर दिया है मैंने और साथ में मैं डाल दूंगी किशमिश। गैस बंद करने के बाद ही आप किशमिश को रोस्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी फूल जाता है और ऐसे मुझे फूले हुए किशमिश पसंद नहीं है इसलिए। अब इसे मैंने साइड में निकाल लिया है। अभी जो बाकी का मैंने घी लिया है, मैंने टोटल घी यहाँ 1/3 कप जितना इस्तेमाल किया है। मैं आपको बताती जाऊँगी टोटल कितना घी मैंने लिया है। अभी मैंने सिर्फ 2 चम्मच जितना घी लिया है और साथ में डाल देंगे 1/2 कप जितनी सूजी। मैंने 1/3 कप घी लिया था, जिसमें से मैंने आधा यूज़ कर लिया है। ज़रूरत पड़ने पर हम डालते जाएंगे घी। अब इसे अच्छे से रोस्ट कीजिए पूरी सूजी को, जब तक अच्छे से अरोमा नहीं आ जाता और पूरी ब्राउन नहीं हो जाती, यानी कि सुनहरे रंग की, तब तक इसे अच्छे से भून लें। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। इसे तब तक रोस्ट कीजिए जब तक अच्छे से ये ब्राउन नहीं हो जाए। ध्यान रहे आंच धीमी होनी चाहिए और ये जलना नहीं चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच कार्डमम पाउडर, यानी इलायची का पाउडर। साथ में मैंने ली है शक्कर। मैंने यहाँ 1/2 कप सूजी लिया था, तो उसी कप को मेजर करके मैंने शक्कर लिया है, लेकिन मैंने इसमें 2 चम्मच कम यूज़ किया है। आप चाहे तो शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं 1/2 ड्राई फ्रूट्स जो मैंने अच्छे से घी में रोस्ट कर लिए थे उसको डाल दूंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते रहेंगे, चीनी अपने आप ही घुल जाएगी। अब देखिए मैंने 1/2 कप सूजी जो लिया था, इसके अनुसार मैं यहाँ 1.5 कप पानी यानी लिक्विड डाल रही हूँ। मैंने 1/2 कप पानी लिया है और 1 कप मैंने दूध लिया है, यानी 1.5 कप आपको डालना है लिक्विड। आप चाहे तो 1.5 कप पानी ऐड कर दे, 1.5 कप दूध ऐड कर दे। मैंने यहाँ दोनों को आधा आधा करके ऐड कर दिया है। अब कढ़ाई पे एक ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे धीमी आँच पे। तब तक सूजी अच्छे से हमारी पक जाएगी। और ये देखिए हलवा बिल्कुल रेडी है। हल्का सा मुझे ड्राइनेस लग रहा है, तो एक अच्छा सा शाइन और अच्छा सा ग्लेज देने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच और घी ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने 1/3 कप घी लिया था, जिसमें से मैं अभी भी मैंने बचाया हुआ है सिर्फ 1 चम्मच ऐड करूँगी और इसमें अभी भी 1 बड़ा चम्मच जितना घी बचा हुआ है। तो आपने देख लिया मैंने 1/3 कप घी लिया है। आप चाहे तो उतना भी डाल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा घी हो जाएगा तो मुंह में भी आ सकता है, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं। ये देखिए मैं आपको टेक्सचर बता रही हूँ, एकदम परफेक्ट, जैसे कहते हैं ना मेल्ट इन माउथ, वैसा बना है परफेक्ट तरीके से और बहुत ही आसानी से। अब इसे हम सर्व कर देंगे। और ये लीजिए मैंने बचे हुए ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लिया है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो कर लें।